हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पवन और फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आईटी नॉलेज पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने मेल आईडी के पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हो मात्र कुछ मिनटों में। तो दोस्तों अगर आप भूल गए अपने मेल आईडी के पासवर्ड तो आप उनको रीसेट कर सकते हो। तो दोस्तों इसके लिए देखना होगा आपको हमारा ये वीडियो। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों सबसे पहले ताज़ा खबरें, ऐसी नई खबरें आपको देखने के लिए हमारे वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए, पास में बेल आइकन है उसे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मिलती रहेगी इस प्रकार की आने वाले वीडियो की ताज़ा ताज़ा जानकारी। तो दोस्तों चलिए बताते हैं आपको। और दोस्तों ईमेल संबंधी वीडियो सबसे पहले, और दोस्तों ये क्या नाम से फॉरगेट पासवर्ड और इत्यादि वीडियो सबसे पहले देखने के लिए यार आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों बताते हैं आपको किस तरीके से आप अपने मेल आईडी के पासवर्ड को फॉरगेट करके नया पासवर्ड किस तरीके से बना सकते हो। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप अपनी मेल आईडी का पासवर्ड भूल गए हो, जो भी आप मेल आईडी का पासवर्ड डालते हो और आपके पासवर्ड ये इनकरेक्ट बताता है, तो दोस्तों आपको कोई घबराने की बात नहीं है। आपको यहाँ पे जैसे दोस्तों आप यहाँ पे अपना पासवर्ड डालते हो तो आपके सामने कुछ रेड यहाँ पे कलर बताता है रॉन्ग पासवर्ड, तो आपको यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आता है, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे आपको लास्ट फोर पासवर्ड डालने हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से नया इंटरफेस नया पेज ओपन हो जाएगा और आपके ये बोलेगा कि आपके द्वारा जो मेल आईडी में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ये ओटीपी भेजेगा। तो दोस्तों अपन यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, आप कॉल में भी क्लिक करके ओटीपी ये जो जी कोड आता है उसको आप ले सकते हो। तो दोस्तों अपनी जो मोबाइल पे आपके पे वो आ जाता है कोड, तो आपको वो कोड डालना है। जैसे दोस्तों मैं वो कोड अपने यहाँ पे जो अपने मोबाइल पे कोड आया है वो इस पे डालूंगा 1503। तो दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से नया पेज ओपन हो जाता है, क्रिएट पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड करके सेव पासवर्ड करके आपकी मेल आईडी ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये तो हो गया अपने मेल के आधार पर, और दोस्तों जैसे आप दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ फॉरगेट पासवर्ड करने का। जैसे आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे ट्राई अनदर वे का ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करोगे, उसके बाद में आपको जो अपनी मेल आईडी दोबारा अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो आई डोंट माय फोन यहाँ पे करके आप रिकवरी मेल का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप कोई भी अपनी रिकवरी मेल डाल सकते हो। तो दोस्तों जैसे मैं अपनी रिकवरी मेल डाल देता हूँ या फिर अपन डाल यहाँ पे डाल सकते हैं। तो दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से जी कोड उस पर सेंड कर देता है, तो आपको जी कोड उस पर डालना है। तो दोस्तों जैसे मैं अपनी मेल आईडी ओपन कर लेता हूँ जिसपे ये कोड सेंड करता है, तो दोस्तों जैसे ही मैं अपनी मेल आईडी ओपन करता हूँ तो उस पर कुछ इस तरीके से एक नया कोड आ जाता है। तो जैसे अपनी मेल आईडी ओपन हो रही है दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा अपने वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों जैसे ये गूगल वेरिफिकेशन कोड इस पे आ गया है, तो दोस्तों जैसे अपने ये गूगल वेरिफिकेशन कोड को वहाँ पे डालेंगे जैसे 999127, तो अपन को ये कोड वहाँ पे डालना है 999127। ये जैसे अपन इस पे डालेंगे तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आगे कुछ ये इस प्रकार से नया पेज ओपन हो जाता है और रिकवरी यूर अकाउंट करके अपने को नया पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। तो दोस्तों जैसे मैं आपको बता देता हूँ, कुछ भी अपन लास्ट पासवर्ड यहाँ पे डाल देते हैं और मोबाइल पे अपन कॉल के द्वारा या टेक्स्ट मैसेज के द्वारा भी अपन कोड ले सकते हैं जी कोड। तो दोस्तों जैसे आप टेक्स्ट कोड पे क्लिक करोगे तो वो अपने मोबाइल पे दोबारा कोड भेज देता है। इसको नेक्स्ट करना है, जैसे अपन नेक्स्ट करते हैं जैसे दोस्तों अपन नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से नया पेज ओपन हो जाता है, तो अपन यहाँ पे नया पासवर्ड बना सकते हैं। सेव पासवर्ड करके आप
अपने मेल अकाउंट पे डायरेक्ट पहुंच जाओगे। कंटिन्यूज टू ईमेल ये करना है अपने को। जैसे दोस्तों आप कंटिन्यू टू जीमेल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाता है। और अपनी मेल सक्सेसफुल ओपन हो जाती है। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन है उसे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको मिलती रहेगी आने वाले वीडियो की सबसे पहले जानकारी। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन है उसे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना ना भूलें। तो दोस्तों इस तरीके से अपनी मेल आईडी ओपन हो जाती है। कुछ देर बाद में अपनी मेल आईडी इस तरीके से ओपन हो जाती है दोस्तों।